हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी है क्या, और उन फाइव न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो बेसिकली इम्यूनिटी है क्या, एक तरह की आर्मी होती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया या वायरसेस से, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिजीज काज कर सकते हैं। तो अगर आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो आपको कोई भी डिजीज जो है वो बहुत जल्दी से होती है। जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो कोई ना कोई डिजीज होने लगती है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी रिड्यूस होगी तो आपको डिजीज होने के चांसेस एक तो ज्यादा होंगे, या फिर अगर आपको इम्यूनिटी रिड्यूस होगी तो डिजीज होने के बाद रिकवरी बहुत लेट हो जाती है। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, ये फाइव न्यूट्रिएंट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नंबर वन पे है विटामिन डी। विटामिन डी जो बेसिकली बहुत सारे लोग इसको जो है वो बोन स्ट्रांग करने के लिए जानते होंगे, यानी ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो ये होता है कि हमारे इम्यून सेल्स यानी हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो हमारे विटामिन डी को रिड्यूस करके हमारी बॉडी में सर्वाइव करते हैं। तो बेसिकली जो विटामिन डी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे इम्यून सेल्स के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए। तो अगर हम इसके सोर्स की बात करें, वैसे तो इसका जो बेस्ट सोर्स है वो सनलाइट होती है, यानी हमें डेली जो बेसिस पे 10 से 15 मिनट के लिए एटलीस्ट जो है वो सन एक्सपोजर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो एटलीस्ट वीक में दो दफा आप ये कर सकते हो, इससे आपकी विटामिन डी रिक्वायरमेंट जो है वीक की पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर फूड की बात करें, ऐसा कोई फूड में जो है विटामिन डी आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलता है, आप इसके लिए विटामिन डी के लिए सप्लीमेंटेशन कर सकते हो। फूड्स के अंदर जो है वो एग है या फिर आपका जो फिश है उसके अंदर विटामिन डी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नंबर टू पे है विटामिन सी। विटामिन सी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अगर हम सोर्स की बात करें तो इसका जो बेस्ट सोर्स है वो कीवी है, गावा है, पपाया है या फिर ऑरेंज है। तो इसके अलावा जो है सॉर क्रॉट जो कि एक बहुत ही हाईली विटामिन सी फूड है, जिसको आम जुबान में बंद गोभी का अचार भी कहते हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि इसको बनाने का तरीका क्या है। नंबर थ्री पे आता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन ए जो है ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन ए का जो बेस्ट सोर्स है वो एग योक है, इसके अलावा फिश है या फिर इसके अलावा बटर है, घी है। तो विटामिन ए जो है वो गुड फैट्स के साथ आपको मिलेगा जहां भी मिलेगा। तो ये गुड फैट्स जो है ये हाई इन विटामिन होते हैं, ये आपको अपनी डेली बेसिस पे अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। नंबर फोर पे है जिंक। जिंक जो है एक ट्रेस मिनरल है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनमें से एक ये है कि ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। तो इसका जो बेस्ट सोर्स है वो रेड मीट और व्हाइट मीट है। इसके अलावा जितने भी तरह के मीट्स होते हैं उनमें जिंक प्रेजेंट होगा। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो नट्स होते हैं उनके अंदर जिंक जो है वो हाई क्वांटिटी में मौजूद होता है। नंबर फाइव पे है सेलेनियम। सेलेनियम जिंक की तरह एक मिनरल होता है और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसका जो बेस्ट सोर्स है वो रेड मीट, व्हाइट मीट, फिश, एग्स, इसके अलावा जो है वो नट्स और बीन्स, ये इसके बेस्ट सोर्स होते हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। सेलेनियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको ये वाली फूड्स भी ऐड करनी है अपनी डाइट में। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी सुपर फूड्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो काफी अच्छी रही होगी आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।